हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ट्रायंगल चैप्टर है ना, जो त्रिभुज है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 24 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और जितने भी 24 है उसी में से क्वेश्चन आएगा, इतनी अपनी गारंटी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पहला क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं है ना, दो बहुभुज समरूप होंगे कब, जब उनकी भुजाओं की संख्या समान हो और उनके संगत कोण समान हो और उनके सभी संगत भुजाएं जो हो समानुपाती हो, अर्थात वे सभी एक अनुपात में समान अनुपात में हो। ठीक है, और समरूप त्रिभुज समरूप बहुभुज का हो गया, और समरूप त्रिभुज वो होगा जिनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात वो एक ही अनुपात में हो। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी बेस्ड। त्रिभुज एबीसी और डीईसी, यहाँ पे एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है कि बीसी के समांतर एक भुजा डीई है ना, और एडी बटा डीबी दिया हुआ है, तो एई बटा ईसी निकालना है। और ये हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि एडी बटा डीबी जो होगा एई बटा ईसी के इक्वल होगा। तो ये अगर 5/3 है तो दूसरा आंसर भी 5/3 ही होगा, दूसरा आंसर भी 5/3 ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 5/3 नहीं है, 3/5 है, तो 5/3 इसी को बना लीजिए है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/3। चलिए, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी पी क्यू आर, कोई भी दो नाम ले लो, इसका क्षेत्रफल जो होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये अगर भुजा 4:9 है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी 16/ कितना हो जाएगा 81, इसका बी हो जाएगा आंसर। सभी समबाहु त्रिभुज, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। समरूप इसलिए होंगे कि एक ये भी समबाहु त्रिभुज है जिसका ये भुजा ए है और दूसरा एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा 2a 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 है, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है ना। सर्वांगसम में क्या होगा, दोनों इक्वल भी होगा। चलिए, यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे कि कोई भी त्रिभुज बना लो, अपने को पता तो है नहीं, लेकिन ये पता चल रहा है कि जो सबसे छोटी दो भुजा है उसका अगर जोड़, उसके वर्गों का जोड़, सबसे दो छोटी भुजा के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज समकोण हो जाएगा। तो चलिए, अगर हम ऐसे बना ले, मान लो एबीसी एक त्रिभुज बनाते, ए के सामने भुजा को ए बोलते हैं और इसको बोल दो बी, बी के सामने के भुजा को बी बोल रहे हैं और सी के सामने की भुजा को सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा ये पूछा। तो अभी सॉल्व करके देखो, अगर मान लो सभी में जीरो नहीं है या है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, अभी हम ऐसा सोच रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आएगा, 9+16 है ना, यानी 25, और इसका रूट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5, यानी अगर 3 4 5 हो रहा है तो मतलब ये जो कोण है वो 90 डिग्री होगा है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 का स्क्वायर जो 40 का स्क्वायर, आप सॉल्व करके देखो ये 50 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए आकृति में डी समांतर है बीसी, दिख रहा है। तो थेल्स प्रमेय से क्या जानते हो कि x/16 का जो मान होगा वही होगा 34/16। यहां से देखो x/16 बराबर हो जाएगा 34/17 है ना, तो 17 × 34 कट जाएगा यानी 16 × 32, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिए गए आकृति में अगर डी समांतर है बीसी, एडी पता है, AD/DB, और हम जानते हैं कि AD/DB जो है किसके इक्वल होगा, AE/EC के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें AE/EC नहीं दिया हुआ, पूरा AC दिया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, AE को X बोलते हैं, तो EC टोटल 4.8 दिया हुआ है, तो EC कितना हो जाएगा 4.8 यानी 4.8 माइनस X। तो सॉल्व कर लो, ये 3/5 AE का मान हो गया X और ये हो गया 4.8 माइनस X। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 5X क्रॉस गुना करेंगे तो 5X, इससे गुना कीजिए, 8 × 3 = 24 के 4 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 2 = 14 −3X, ये इधर आएगा तो 8X हो जाएगा, 8X = 14.4, तो X = 14.4/8 है ना, और 18 × 8 = 44 यानी 1.8 हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। दिए गए आकृति में डी समांतर है बीसी, तो एक्स का मान निकालना। ये तो थेल्स पर में डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि 4/x-4 एडी बटा डी बी, ए यहां हो जाएगा 8/3x-19। गुना कीजिए 4 × 3 = 12x, माइनस 19 × 76 8x-8 = 32। इसको इधर लाइए तो 12x-8x = 32 माइनस में और प्लस का 76, तो 4x और 12 में 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, तो इसका आंसर 11 × 44 11 हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। संगत भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। अनुपात कैसा है, 1:2, तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 1:2 तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2:1, मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 का आंसर हो जाएगा डी, है ना, सही है। आगे चलते हैं, समबाहु त्रिभुज में यदि एडी लंब है बीसी पे, तो एबी स्क्वायर बटा एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे क्या है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है और एडी लंब है बीसी में, तो एबी स्क्वायर बाई एडी स्क्वायर, ये निकालना, ये अच्छा क्वेश्चन है। एबी स्क्वायर बाई एडी स्क्वायर निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और एडी लंब है बीसी पे, एडी कहाँ है, लंब है बीसी पे, तो हमको क्या प्रूफ करना है, निकालना क्या है, एडी एबी स्क्वायर बाई एडी स्क्वायर। सबसे पहले तो एडी निकालना पड़ेगा, है ना। देखो अगर ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो यहां से यहां तक ए है, तो ये हो गया 8 आधा, यानी ए बाई टू। तो एडी पहले निकाल लो, एडी क्या, अगर ये छोटा सा त्रिभुज ले तो एडी इसमें हो जाएगा लंब, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4a² - a² / 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3a² / 4, यानी हो जाएगा √3a/2, इसका आंसर। ab का स्क्वायर, ab क्या है, भुजा, भुजा तो a स्क्वायर, है ना, और ad स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा क्या आएगा, √3a/2 का स्क्वायर। तो देखो यहां से a स्क्वायर और 3a² 3a² और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3, ये 4 ऊपर गया और ए से कट गया, 4/3 इसका आंसर होना चाहिए, 4/3 आंसर है, हाँ बी नंबर। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी बनाइए, एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं और एक पीक्यूआर बनाते हैं, पीक्यूआर और दोनों समरूप है, ए का वैल्यू 53 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी 53 हो जाएगा पी वाला, और क्यू का वैल्यू 67 है, तो ये भी 67 हो जाएगा। तो कौन सी पूछ रहा है, तो जोड़िए 53 और 67 कितना होगा, 7 × 3 = 10 के सुना हासिल, 1 × 6 = 11, ठीक है। तो इसका बचेगा क्या 60 डिग्री, बचेगा क्या 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तब उनके भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजा के वर्गों का अनुपात, एबी स्क्वायर बाई पीक्यू स्क्वायर ऐसा बोल दो, और ये दिया हुआ है 49/25, तो इधर का स्क्वायर आएगा तो इधर रूट हो जाएगा, मतलब 7/5 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा डी में इनके क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, अगर ये एबीसी है तो ये डीईएफ है, है ना। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो एबी के संगत में कौन बन रहा है, डी, तो एबी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में एडी लंब है बीसी और एडी बराबर बीडी और एसी निकालना है। त्रिभुज एबीसी में बनाइए, त्रिभुज एबीसी बना रहे हैं, एडी लंब है बीसी पे, चलिए, और एडी बराबर दिया हुआ है किसका, बीडी का, एडी बराबर है बीडी,
है ना। तो एक एबीसी में एडी बराबर है बीडी, और ये अगर 8 है तो ये भी 8 है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। और बीसी का वैल्यू 23 है, बीसी पूरा 23 है ना। अब ये समरूप कैसा त्रिभुज ये नहीं पता, बीसी का वैल्यू 23 है तो हमको एसी निकालना है। चलो ये 8 है तो बीसी 23, 23 में से 8 घटा लीजिए, 23 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, ठीक है। तो ये 15 है, ये 8 है, तो 15 का स्क्वायर और जोड़ 8 का स्क्वायर, ये तो कर्ण हो जाएगा है ना। तो 15 15 ये 225 प्लस 64 कितना आएगा, 549, 6 2 8 289, यानी 17 आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आता है, ए बी 6 है, बी सी 12 है और सी ए इतना है, तो ए का मान देखो। अब ए बी सी है, ए बी सी में ए बी 6 है, अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये 6 है, ये 12 है और ये 6√3 है, तो दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के, छोटी दो भुजा 6√3 है ना, 1.732 होगा, तो मतलब कम ही होगा। इन दोनों का वर्ग देखो, 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 के स्क्वायर हो जाए, है ना। सॉल्व करके देखे तो कितना हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 36 प्लस 36 और 36 में 3 से, 36 में 3 से 36 18 के 8 हासिल 309 108, तो 814 के 4 हासिल 144 आ गया। मतलब इन ये फिगर में गलत, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा है ना। तो इन दोनों का वर्ग 12 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, तो मतलब ये 90 डिग्री बनेगा, मतलब दो छोटी भुजा का वर्ग इसका और इसका वर्गों का जोड़ इसके वर्गों के बराबर हो गया, इसलिए समकोण त्रिभुज बन गया। यदि त्रिभुज एबीसी की किसी भुजा का वर्ग अन्य दो त्रिभुज के वर्गों के बराबर हो तो पहले भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 15 नंबर है ना। चलिए यहाँ पे डी एफ दो त्रिभुज है, बी और एफ है और ये भुजा बराबर है, तो एबीसी और डीई एफ क्या होंगे, यहाँ पे एबीसी और बी एफ क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। राम 12 मीटर पूरब जाता है, 9 मीटर दक्षिण। पूरब देखिए, जब भी किताब में ऐसे बने ना तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, दाहिना पूरब हो जाता है, बायां पश्चिम। तो कहां गया, 9 मीटर दक्षिण गया है, दक्षिण मतलब नीचे गया 9 मीटर है ना, और 12 मीटर पूरब गया यहां से, तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितना मीटर दूर है, ये वाला दूरी निकाल लीजिए, 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, 144 981, 5 8 4 12 225, 225 किसका रूट हो जाएगा 15 का, इसका आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 18 में, यदि त्रिभुज PQR में PQ 13 और QR इतना PR, तो देख लो दो छोटी भुजा के वर्ग, अगर तीसरी भुजा, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, तो 144 और इसका हो जाएगा 25 कितना आएगा 169 और 13 का उधर 169, तो कैसा त्रिभुज होगा, कौन सा समकोण होगा। अच्छा तो यहाँ पे सबसे बड़ा बनाओ, ये बनाओ PQ, ये 13 है और ये R हो जाएगा, तो R हो जाएगा समकोण, R क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा कौन R। यदि त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री हो, ABC एक त्रिभुज बनाइए ABC और B 90 बनाइए, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, त्रिभुज एबीसी और डी समरूप है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना, तो भुजाओं का, तो भुजाओं का देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो भुजाओं क्या होगा, ईएफ का स्क्वायर बटे बीसी का स्क्वायर। चलिए तो ईएफ ईएफ बटा ईएफ ईएफ बटा बीसी ऐसा लिख सकते हो, इसका इधर का स्क्वायर इधर रूट में ले लो, तो यह हो जाएगा 3/4 और ईएफ का वैल्यू दिया हुआ है 4.2 और बीसी नहीं पता, गुना कीजिए बीसी को यहां ले लेते हैं और ये हो गया 4.2 × 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा, 14 3 42 और 14 4 56 5.16 आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 20 का। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, बीसी चाहिए अपने को, एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3/4
अच्छा बीसी ऊपर हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये है एबीसी मतलब 3/4 इसका होगा, तो ऊपर में आएगा बीसी और नीचे में आएगा ईएफ, है ना। तो ईएफ तो हमको दिया हुआ है 14, तो बीसी चाहिए, तो 3×4.2 अब बटा में 4 आएगा, है ना, 1.4। अभी भी गड़बड़ हो रहा है क्या, ईएफ दिया था ना, तो ईएफ दिया हुआ था 4.2×3 अब बटा में 4, 14×3=42, अभी तो उतना ही आंसर आ रहा है। 4×3=12 हासिल है, 3×1=4, इसका आंसर गड़बड़ है क्या, एक बार और चेक करें, हमको आंसर में मिस्टेक लग रहा है। ए बी सी है और डी ई एफ है ना, तो क्या होगा अगर ए बी सी का क्षेत्रफल बटा डी ई एफ का क्षेत्रफल है, तो ए बी सी का हो जाए ई एफ और बी सी, तो पहले हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 3/4, इसका रूट हो जाएगा बी सी बटा ई एफ, और ई एफ का वैल्यू कितना है 4.2, 4.2 और ये यहाँ आ गया 3 और ये 4 यहीं रहेगा, ये बी सी, और 4 से कितने बार में कटेगा, पहले इसको गुना कर लो, 3×2=6 और 4×3=12, कितना बटा 4, 3 से गुना किया, अभी कटा नहीं, गुना कर दिए, 4×3=12, 3.4 और 4×5=20, 3.15, ये आंसर सही होगा, सही था आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, उसको किस प्रमेय के द्वारा किया जाता है, इसको थेल्स प्रमेय के द्वारा हम लोग बोलते हैं, तो उस प्रमेय थेल्स प्रमेय। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका, यह हम जानते हैं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो 121/64 इसकी एक का माध्यिका दिया हुआ है, तो दूसरे का माध्यिका x बोले और ये स्क्वायर इधर आएगा, तो रूट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 11/8 बराबर 12.1/x। अब गुणा कीजिए, देखो 11 से ये कट जाएगा, एक इकाई एक, है ना, और 8 से ये x और ये 8 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.8। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो सी समकोण है कौन सही है, देखिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, सम द्वि बाहु है, अच्छा देख लो 23 का यहाँ बना रहा है, सम द्वि बाहु है एबीसी, सम द्वि बाहु है मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना। अब देख लो ए बी को, ए सी को ए बी भी बोल सकते हो, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो क्या मिल गया 2ab² तो ए सी स्क्वायर बराबर 2ab² ए सी स्क्वायर 2ab² के इक्वल हो गया। एक सीढ़ी जो इस प्रकार रखी, इसका पाद दीवार से 5 मीटर दूरी है, सीढ़ी का जो पाद है पैर है मतलब 5 मीटर दीवार से दूरी पे है ना, और इसका सिर जमीन से 12 मीटर ऊपर है, ये 12 मीटर ऊपर है, तो सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई ये निकालना है मतलब कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगा 12 का x² 144 और 5 का 25 169 यानी 13 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसके 24 क्वेश्चन हो गए, और इस क्वेश्चन से 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन गारंटी के साथ मिलेंगे, इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 नंबर वाले हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अभी तक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब, तो और इसमें जितने भी प्लेलिस्ट में पहले वीडियो सारे को देख लीजिए, गारंटी के साथ क्वेश्चन आएंगे, और कॉमेंट करके बताइएगा कैसा था क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।